हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन में। तो आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं आपकी पसंदीदा गेम स्केरी टीचर 3D को। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम खेलेंगे न्यू अपडेट में आए हुए स्पेशल चैप्टर को। और अगर आप चाहते हो कि आपको इस अंडे वाले चैप्टर की भी फनी वीडियोस जल्दी से देखने को मिले, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपने स्पेशल चैप्टर को। और हमारा पहला प्रैंक है ऑलवेज ऑन पॉइंट। मुझ पर रहम करो मिस्टी। अब देखो मेरा जलवा, फ्रांसिस हिलने का नहीं। ओ मारा खोपड़ी बची गयो। जानू मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है, चलो अब अखरोट पर निशाना लगाया जाए। जान बचाकर भागो, यह बुढ़िया पागल हो गई है। दोस्तों कल रात को तो मिस्टी के घर से बेचारे फ्रांसिस के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चलो हम अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। वो देखो मिस्टी तो हमारी तरफ ही आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, किसी दूसरे रास्ते से मिस्टी के घर के अंदर जाकर तहकीकात करता हूँ। फ्रेंड्स वो खतरनाक आवाजें तो अपनी स्केरी टीचर के घर के पीछे की तरफ से ही आ रही थी, तो चलो हम उधर ही जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, चलो मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। फ्रेंड्स ये क्या, यहाँ आसपास तो कोई भी घर ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मिस्टी का घर किसी जंगल में है। और देखो मिस्टी के घर में तो कितने अच्छे अच्छे और खूबसूरत पेड़ भी लगे हुए हैं। अरे ये क्या, पेड़ पर कुल्हाड़ी किसने मारी। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि यहाँ तो दाल में कुछ काला है। चलो मैं यहाँ पर थोड़ी और जांच पड़ताल करता हूँ, ताकि मुझे और भी सुराग मिल पाए। मगर ऐसा लगता है कि ये गर्मी तो मेरी जान लेकर ही रहेगी, तो चलो मैं जल्दी से इस कपड़े को ही उठा लेता हूँ। और मुझे लगता है कि अब थोड़ी बहुत सर्चिंग अंदर जाकर भी करनी चाहिए। दोस्तों एक बात बोलूं, ये कपड़ा तो बहुत ही मुलायम है। मेरा तो दिल कर रहा है कि पहले इस कपड़े को अपने घर में रखकर आऊं और बाकी की तहकीकात बाद में आकर कर लूं। अरे ये कैसी चाबी है। दोस्तों ये चाबी इतनी ऊपर क्यों है, मुझे तो लगता है कि ये किसी खास चीज की चाबी होगी। तो चलो इसे नीचे उतारने का कोई जुगाड़ लगाते हैं। काश यहाँ पर कोई सीढ़ी होती तो मैं जल्दी से इसे उतार लेता। अरे स्केरी टीचर तो हमारी ही तरफ आ रही है, अभी इनको मजा चखाता हूँ। लो मिस्टी अब आप मजे से डांस करती रहो। दोस्तों डांस करते हुए तो मिस्टी कितनी ज्यादा फनी लगती है। चलो हम जल्दी से जाकर उस खास चाबी को नीचे उतारने के लिए कुछ ढूंढते हैं, शायद इस बेसमेंट में ही हमें कुछ मिल जाए। अरे देखो यहाँ पर तो एक सीढ़ी पड़ी है, मगर ये तो बहुत भारी है, तो क्यों ना इसके ऊपर पड़ी लकड़ियों को काट के नीचे फेंक दूं। लो लकड़ियां तो हट गई, अब मैं फटाफट इसे ले जाता हूँ उस चाबी के पास। फ्रेंड्स मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, पता नहीं वो चाबी किस खजाने की होगी। तो हम जल्दी से इस सीढ़ी को वहां पर उस चाबी के पास ले जाते हैं, और अब इस पर चढ़कर हम उस चाबी को उतार भी लेते हैं। ये क्या दोस्तों, इस पर लगा हुआ तेल तो हमें ऊपर चढ़ने ही नहीं दे रहा, तो मैं जल्दी से तेल को अपने कपड़े से साफ कर देता हूँ। दोस्तों बाकी की सभी चाबियां तो नीचे टंगी हुई है, मगर ये वाली चाबी ही सिर्फ ऊपर क्यों है। चलो जल्दी से जाकर इस राज का पता लगाया जाए। तो चलिए हम पहले ऊपर जाकर अपनी तहकीकात शुरू करते हैं। आइला मिस्टी तो इधर ही आ रही है, तो मैं जल्दी से इस वॉशरूम में घुस जाता हूँ, अब तो मिस्टी हमारे पीछे नहीं आएगी। अरे ये क्या, ये तो कोई स्पेशल तिजोरी लगती है, और शायद ये इसी चाबी से खुलेगी, तो मैं इसको खोलकर देखता हूँ। और ये लीजिए ये तो खुल भी गई, मगर ये क्या पड़ा है। दोस्तों ये तो मिस्टी के स्पेशल वाले लेंस है। अब समझ आया, स्केरी टीचर इन्हीं की मदद से इतना अच्छा तीर कमान चलाना सीख गई। चलो हम जल्दी से जाकर इन लेंस को खराब कर देते हैं, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इनको कैसे खराब करूं। चलो मैं नीचे जाकर ही कुछ ढूंढता हूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर मिस्टी के घर में रहा तो मिस्टी मुझे पकड़कर बहुत मारेगी, इसलिए मुझे जल्दी से अपने काम को अंजाम देना होगा। चलो मैं किचन में ही कुछ ढूंढता हूँ। अरे ये यहाँ पर क्या पड़ा है। दोस्तों ये तो हॉट चिल्ली सॉस है, चलो इसी से लेंस को खराब किया जाए। दोस्तों इस प्रैंक के बाद तो मिस्टी की हालत खराब हो जाएगी, तो चलो अब मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ।
फ्रेंड्स, मिस्टी तो मेरे पीछे पड़ गई। अब मैं फटाफट अपने काम को पूरा कर देता हूँ। और देखो, ये रहा बाथरूम, तो मैं इन लेंस को इनकी जगह पर रख देता हूँ। और अब मैं इस तिजोरी को भी वापस बंद कर देता हूँ और इस ताले को भी लगा देता हूँ। लो दोस्तों, अब ये तिजोरी बिल्कुल पहले जैसी हो गई। तो चलो, अब मैं मिस्टी के यहाँ आने से पहले रफू चक्कर हो जाता हूँ। मगर मैं इस चाबी का क्या करूंगा? हाँ, मैं इस चाबी को भी वापिस वहीं पर टांग देता हूँ। ये लो फ्रेंड्स, अब तो सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। तो अब मैं भी दौड़कर अपने घर चला जाता हूँ और अपने घर की छत पर बैठकर देखूंगा मिस्टी के अजब गजब कारनामे। नहीं जानू, नहीं, रुक जाओ। फ्रांसिस, ऐसे ही खड़े रहो, पहले मैं जादुई लेंस लगा लेती हूँ। अब मैं लगाती हूँ तुम्हारे अखरोट पर निशाना। ये मेरी आंखों में जलन कैसी, कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे ये क्या, लगता है लेंस बेचने वाले ने मेरा पोपट बना दिया। हाय दया, मेरी कमर। ये लो दोस्तों, बेचारे फ्रांसिस को परेशान करने वाली मिस्टी को तो आज एकदम सही सबक मिल गया होगा। तीर कमान ने तो मुझे धोखा दे दिया, मगर अब मैं कुल्हाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो गई हूँ। अब कोई भी नहीं बचेगा, सबको चीर कर रख दूंगी। कट 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 कट। अरे ये क्या, कुल्हाड़ी वापस कैसे आ गई? ओए मिस्टी, तुम किसी दिन मेरी बैंड बजवा कर ही मानोगी। लो फ्रेंड्स, मैं फिर से मिलने आ गया मिस्टी को। मगर ये किसकी कार खड़ी है? दोस्तों, मुझे तो लगता है मिस्टी के घर मेहमान आए हैं। तो चलो हम भी अंदर जाकर उनसे मिलते हैं। देखो, मिस्टी तो अपने घर से बाहर भी आ गई। तो अब मुझे इन झाड़ियों में छुपते हुए ही आगे जाना होगा। दोस्तों, वहाँ पर तो एक सीढ़ी भी पड़ी है। तो चलो, मिस्टी की नजरों में आने से पहले ही हम ऊपर चढ़ जाते हैं। लो फ्रेंड्स, हम ऊपर तो आ गए। अब मैं जल्दी से घर के अंदर घुस जाता हूँ। ये कमरा तो सेफ नहीं है, इसलिए मैं अगले कमरे में जाता हूँ। दोस्तों, ये तो मिस्टी का आर्ट रूम है। और यहाँ पर मिस्टी ने ये क्या बनाया हुआ है? मुझे तो लगता है स्केरी टीचर इसे पहनकर रामलीला में चाची ताड़का बनती होगी। हमें इसका भी कुछ जुगाड़ करना होगा। मगर पहले हम मिस्टी के गेस्ट को ढूंढते हैं। देखो दोस्तों, नीचे तो फ्रांसिस अंकल घूम रहे हैं। चलो जाकर उनसे मिलते हैं। अरे जानू, कहाँ पर हो? मुझे बुलाकर तो तुम छू मंतर हो गई हो। आ ही तो रही हूँ, क्यों कुत्तों के जैसे भांग भांग कर रहे हो? दोस्तों, इन्होंने कोट क्यों पहना हुआ है? चलो इनके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं और मैं यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। अल्लाह, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? चलो अपने कोट को वहाँ पर उतार कर आता हूँ। देखो फ्रेंड्स, हमारी मिस्टी ऊपर भी आ गई। तो चलो अब इनको थोड़ा हंसाया जाए। मैं यहीं पर अपने कोट को उतार कर रख देता हूँ। दोस्तों, फ्रांसिस अंकल ने तो अपना कोट वहीं पर रख दिया। तो चलो मैं जल्दी से जाकर उनके कोट को चेक करता हूँ कि वो हमारी मिस्टी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। और यहाँ पर तो उनकी कार की चाबी मिल गई। अरे ये मिस्टी तो हमारे पीछे ही पड़ गई। रुक जाओ मिस्टी। दोस्तों लो, हम मिस्टी के घर से तो बचकर बाहर आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर सेफ हूँ। तो चलो अब हम फ्रांसिस अंकल की गाड़ी में चेक करते हैं। और मुझे तो लगता है कि वो मिस्टी के लिए कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट लाए होंगे। तो मैं इसे जल्दी से खोलता हूँ। फ्रेंड्स, ये तो एक पावरफुल मैग्नेट है। भला इसे भी कोई गिफ्ट में देता है? चलो छोड़ो, हमें क्या, हम पहले फ्रांसिस अंकल की कार की चाबी को उनके कोट में वापस रख देते हैं ताकि उनको हम पर शक ना हो। अब जल्दी से कार की चाबी को भी उसकी जगह पे रख देता हूँ। हाँ, मगर ऊपर जो हेलमेट था ना, मुझे उसके लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। और यहाँ पर तो कुछ कलर भी पड़े हैं। तो मैं जल्दी से इस बीच वाले पर्पल कलर को उठाकर उसी आर्ट रूम में जाता हूँ जहाँ पर वो गंदा हेलमेट पड़ा था। और ये जो मेरे पास मैग्नेट है ना, इन्हें भी मैं उसी में लगा दूंगा। और फिर देखना, मिस्टी तो मुझे शाबाशी देगी। तो अब मैं जल्दी से मैग्नेट को इसके नीचे लगा देता हूँ और अब इस गंदे हेलमेट को कलर कर देते हैं। अब लग रहा है ना एकदम नया। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतनी अच्छाई करके तो मैं थक गया हूँ। तो अब मैं यहाँ से छू मंतर हो जाता हूँ। अरे फिर से इतनी ठंड क्यों लगने लग गई? मैं जल्दी से अपने कोट को पहन लेता हूँ। अरे वो जो मम्मी ने चॉकलेट के लिए 20 रुपए दिए थे, हाँ पड़े हैं।
आ जाओ मिस्टी, बाहर खेलने चले। हो जाओ तैयार फ्रांसिस, अब मैं दिखाती हूँ तुमको अपना जलवा। अरे ये क्या, ये वापिस कैसे आ गई? अपनी धोती उठाकर भागो, भागो रे भागो, भागो भागो, भागो। अरे वाह, मैं कितना तेज दौड़ती हूँ। जरा अपनी शक्ल तो देखो। लो फ्रेंड्स, आज तो मिस्टी की करतूतें उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई। और अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया है तो सच्चे दिल से एक लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना तो फ्री है और इससे मुझे मिस्टी की बैंड बजाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और जल्दी से अपने सभी दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं आपको क्या बोलूं, क्योंकि वो तो आपने कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको मिस्टी और फ्रांसिस में से कौन ज्यादा फनी लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।